अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। विधायक जी, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आपको एक दिन का इस्तीफा देकर के एक ऐसे व्यक्ति को आपने विधायक बनाया जो वाकई में दिल को छूने वाली बात थी? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकलांगों को जहाँ पे एक अपमानित जैसा शब्द लगता था, तो उनको उत्साहित करने का, उन्हें प्रशंसित करने का एक दिव्यांग शब्द का रूप नाम देकर उन्हें सम्मानित करने का काम दिया। तो हम सबका भी एक कर्तव्य बनता है कि दिव्यांग जनों को हम लोग कहीं ना कहीं से उनके चेहरे पे खुशी पहुंचा सकें। क्या हो रहा है कि कभी मैंने जीवन में भविष्य नहीं सोचा था कि मेरा ये गूंगा बच्चा इस लायक हो जाएगा कि जो पूरे भारत में इसका नाम रोशन हो गया, टीवी में, चैनल में, हर चीज, हर जगह। मैं बहुत बहुत विधायक जी का आभारी हूँ जो विधायक जी ने मुझे। कैसा लग रहा है आपका बेटा एक दिन के लिए विधायक बना था? हमको तो खुश सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगे कि मेरे भाई एक दिन के लिए अचानक ही यूं ही वो आए मेरे यहाँ और बस ये छिनाने में लग गए, मोबाइल छिनाया, ये छिनाया, गनर मांगी, मुझे ये चाहिए, तो बस उनने हंस के इनको अपना पद देने की अनुमति दे दी। ने एक दिन को उस बच्चे को विधायक चुना था, तो आपने इस्तीफा दे करके चुना था या उसकी खुशी के लिए आपने उसको सिर्फ विधायक का पद दिया था कि आप? देखिए, इस्तीफा, देखिए, कोई शासनिक तरीका तो नहीं है, मगर हमने जो हमारा प्रोटोकॉल है वो हमने प्रोटोकॉल एक दिन के लिए उनको दे दिया था। तो एक दिन का उस तरीके से हमने उनको विधायक बनाया, तो हमने यहाँ CO से भी बोल दिया था, इंस्पेक्टर से भी बोल दिया था, तो वो थाने में भी गए, तो उस तरीके से है इस्तीफा तो देके। और वो तो ये तो निर्वाचन यानी कि जनप्रतिनिधि को तो जनता चुन के ही बनाती है, मगर जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो विधायक का प्रोटोकॉल था, वो मैंने प्रोटोकॉल एक दिन का दिया, तो उस रूप से वो एक दिन के विधायक के रूप में रहे। तो आगे के लिए क्या सोच रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां कभी आती हैं तो कुछ करने के लिए लोगों को उत्साहित करना चाहिए या ऐसा कुछ माहौल होना चाहिए जिससे ये जो दिव्यांग है उनके लिए कुछ किया जा सकता है? देखिए, मेरा अपना मानना है कि अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और हम जनता के सेवक हैं और जनता के चेहरे पे कैसे खुशी आए, किस कारण से आए, खुशी आनी चाहिए, खुशी चेहरे में स्माइल पहुंचनी चाहिए, यही एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है। और ऐसी भाव